हम दो तीन टॉपिक्स को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कल भी जो हमारे दो टॉक्स हुए थे उसमें हमने इंटीग्रेट किया, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो लॉ ऑफ कर्मा है, टाइप्स ऑफ सोल है, क्वांटम फिजिक्स है, इन सब्जेक्ट्स को हम इंटीग्रेट करके समझने की कोशिश करेंगे ताकि हीलिंग करने के लिए हमें बहुत आसानी हो, राइट। सो एक चीज़ है कि जिस तरह से शरीर के कुछ कायदे कानून होते हैं कि नहीं, नियम होते हैं, मतलब एक दिन में अगर आप 10 बार खाना खाते हो तो क्या होगा? हाँ, इनडाइजेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरह माइंड का भी रूल है कि दिन में अप्रोक्सीमेटली 100 से ज़्यादा थॉट्स नहीं आने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 60,000 थॉट्स आते हैं। तो ये भी ओवर फीडिंग है कि नहीं माइंड का, राइट। अब जब बॉडी में ओवर फीडिंग है या माइंड में ओवर फीडिंग है तो डेफिनेटली एक पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और जहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट होता है वहाँ पे हमारा डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो सोल का भी एक पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन क्या है सोल का? कि हमने मल्टीपल बर्थ लिए हैं लेकिन कुछ सीखा नहीं, कुछ लेसन सीखे नहीं, और अगर कुछ सीखे तो उसको अप्लाई किया नहीं, तो वो भी ओवर फीड हो गया सोल। जहाँ हमें सिर्फ 50 जन्म लेने थे वहाँ पे हमने 500 जन्म ले लिए, तो ओवर फीडिंग हुआ है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो यही चीज़ आज हम समझेंगे कि ये क्या है, लॉज ऑफ कर्मा क्या है। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं कि सोल का एक लॉ है कि कोई भी चीज़ सिंगुलरली वो क्रिएट नहीं करता है, कोई भी चीज़ वो ड्युअलिटी से क्रिएट करता है। कोई भी, जैसे कॉइन होता है, कॉइन के दो साइड होते हैं कि नहीं, है ना, होता है हेड एंड टेल्स, लेकिन वैल्यू किसकी है? हेड की ज़्यादा वैल्यू या टेल की? हाँ, दोनों की सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमें बचपन से ये समझाया गया है कि वैल्यू सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की है, या वैल्यू उनकी है जो सिर्फ सत्य को मानते हैं या सत्य को ही एक्सेप्ट करते हैं। झूठ को कभी एक्सेप्ट मत करो, या गलत लोगों को से दूर ही रहो, ऐसे हमें समझाया गया बचपन से, राइट। तो माइंड में वही है कि अच्छा ही सब कुछ, अच्छा ही सब कुछ चाहिए, अच्छा ही सब कुछ चाहिए। तो बुरा चीज़ जब भी हमारी लाइफ में आती है हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और इतने हद तक डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हम सुसाइड तक अटेम्प्ट करते हैं जब भी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। जबकि सत्य ये नहीं है, सोल को दोनों एक्सपीरियंसेस चाहिए, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी चाहिए, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी चाहिए। एम आई राइट? तो अगर देखा जाए तो जब सोल पहली बार एनिमल से ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो कौन से टाइप की क्वालिटीज उसके अंदर रहेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? जानवर से मनुष्य के अवतार में आते हैं तो कौन सी क्वालिटीज ज्यादा होती है? नेगेटिव क्वालिटीज होती है, सिंपल है। एम आई राइट? तो अगर हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज है तो हमारा बर्ताव कैसे रहेगा, बिहेवियर कैसा रहेगा? हाँ, नेगेटिव रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट, जानवर बुद्धि जिसे कहते हैं ना। अब मुझे ये बताइए कि एनिमल की क्वालिटीज क्या है? हंटिंग, फियर, इनसिक्योरिटी। समझ में कि नहीं? डर है कि नहीं? अब देखो, आप यहां पे बैठे हो, वहां पे अगर छिपकली है या कॉकरोच है, थोड़ा भी नॉइज होता है वो भाग जाती है। दिस इज फियर, ये डर है कि नहीं? मतलब अब तो कम से कम 15 फीट का डिस्टेंस है तो भी वहां से भागती है। तो अगर एक इंसान के अंदर वो एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो फियर है, तो वो भी डरेगा कि नहीं, भागेगा कि नहीं? अरे इससे मुझे दूर रहना है, इससे मुझे दूर रहना है, मुझे हार्म होगा। सी, ये किस तरह से वो क्वालिटीज हमारे अंदर आ गई हमें पता ही नहीं चली, राइट। अब इट बिलोंग्स, आप कौन से एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आए हो? आप फिश से ह्यूमन बीइंग में आए हो, लायन से आए हो, डॉग से आए हो, टाइगर की क्वालिटी से आए हो, कि काऊ की इससे आए हो, इस पे भी तो डिपेंड करता है कि नहीं, राइट। अगर आप लायन से ह्यूमन में आए हो तो डेफिनेटली आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, अटैकिंग क्वालिटी होगी। हाँ, डॉग से अगर ह्यूमन में आए हो तो क्या होगा, कौन सी क्वालिटीज होगी आपके अंदर? हाँ, रॉयल्टी। और हाँ,
फेथफुल। सबसे क्वालिटी डॉग की क्या है पता है, वो हर बार सूंघते रहता है, हर चीज को वो जज करता है, हर चीज को वो एनालिसिस करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी चीज को एनालिसिस करता है। तो ह्यूमन बीइंग जब डॉग की क्वालिटी से आते हैं तो मैक्सिमम उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, इसको परखना, इसको परखना, इसको जज करना, उसको जज करना, हर बार उसके दिमाग में वही चलता है। तो हम बोलते हैं यार इतना क्यों जज कर रहा है, क्योंकि वो डॉग की क्वालिटी से है। अब एक क्वालिटी और भी डॉग में है, वो इंट्यूटिव है, उसका साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है, उसकी ब्रेथ बहुत फास्ट है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, ऐसे ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्पैन भी कम होगी और इंट्यूशन भी ज्यादा होगा, समझ में कि नहीं। उसका ब्रेथ 46 पर मिनट होता है, हमारा ह्यूमन का 12 मिनट पर ब्रेथ होता है, समझ में कि नहीं। तो जितना ब्रेथ ज्यादा फास्ट होगा उतनी लाइफ कम होगी कि नहीं, और रेस्टलेस होगा, डॉग को देखा है हमेशा रेस्टलेस होता है वो, राइट। तो ह्यूमन भी वैसे क्वालिटी में रेस्टलेस होता है। अगर आप सपोज काओ से ह्यूमन में आए हो तो आप में कंपैशन बहुत होगा, लव बहुत होगा, करुणा बहुत होगी, समझ में। तो उसमें फायदा क्या है कि हम लोअर सोल लेवल की लाइफ स्किप कर देंगे, हम थोड़े डायरेक्ट हायर सोल लेवल पे चले जाएंगे, ये इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो जिसके अंदर जो भी एनिमल जीन्स है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, 101% उसकी बिहेवियर पैटर्न वही होगी। हम जब होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी जब केस टेकिंग लेते हैं, आपने सुना होगा केस टेकिंग लेते हैं वो, राइट। और केस टेकिंग में वो हमारे बिहेवियर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपको सपने कैसे आते हैं, आपको ठंडा पसंद है, गर्म पसंद है, हर चीज़ उसी के बारे में पूछते हैं, राइट। मतलब वो लोग करते क्या है मुझे बताओ, इतना सारे क्वेश्चन पूछ के वो क्या करते हैं, रूट कॉज। लेकिन रूट कॉज तो चलो हर डॉक्टर गए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो हमारी पूरी तासी जानने की कोशिश करते हैं, समझ में। मतलब नंबर ऑफ सोल इम्प्रिंट्स हमारे अंदर है, लेकिन अब फाइनली क्या एक्टिव है, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं लेकिन अभी क्या एक्टिव है वो इम्पोर्टेंट है। अब इस टैब में सपोज इतना कुछ डेटा है, इतना कुछ डेटा है, अब मैं जिसको क्लिक करूंगा वही ऊपर आएगा ना, राइट। इस पीपीटी में बहुत सारे स्लाइड्स है, मैं जिसको क्लिक करूंगा वही चीज ऊपर आएगी कि नहीं, वही ऊपर आएगी। तो अब क्या सरफेस पे है प्रेजेंट लाइफ में, ये इंपॉर्टेंट है। आपका संचेत कर्मा का प्रारंभ में क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। कर्म तो सबके अंदर दबे हुए हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट सबके अंदर है, लेकिन अभी बाहर क्या आया है, किसी का गुस्सा, किसी के अंदर इनसिक्योरिटी बाहर है, किसी का फियर बाहर है, किसी का ईगो बाहर है, किसी की रिवेंज एटीट्यूड बाहर है, हेट्रेड है, ये सब चीज़ें बाहर है कि नहीं। और जो चीज़ें हमारी बाहर है वही चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक चीज़ होती है पैसिव, एक चीज़ होती है एक्टिव। कौन सी चीज़ एक्टिव है वही चीजों को अट्रैक्ट करेगा, पैसिव चीजों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, करेगा चल मी नहीं करेगा ना। आप जब पानी को देखते हो ऊपर अगर कुछ कचरा रहेगा तुरंत आप पानी फेंक दोगे, क्योंकि सरफेस पे कचरा है। पानी में कचरा नीचे दबा हुआ है ना, आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको गंदा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो नीचे सेटल्ड है। तो हमारे सरफेस पे जो चीजें हैं ना वो चीजें दिख जाती है सामने वाले को, हमें नहीं दिखाई देती। यार गुस्सा तो तेरे नाक पे है, बोलते कि नहीं, हर क्या छोटी छोटी बात पे डरता है तू, अकेले सोने से डरता है, अकेले जाने के लिए डरता है, मतलब तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं। तो सारा खेल क्या है कि हमारा जो इनर बीइंग है उसने इतनी सारी एनिमल, प्लांट किंगडम या मिनरल किंगडम या जितने भी जन्म लिए, अभी उसने सरफेस पे क्या रखा है वो इंपॉर्टेंट है। डेटा भले कितना भी अंदर है, 1 टेराबाइट का डेटा है एक लैपटॉप के अंदर, अब भी डेस्क स्क्रीन पे क्या दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है, एम आई राइट। तो हम इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, जो चीज सरफेस पे है उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं, राइट। लेकिन काफी चीजें जो सरफेस पे है वो कहीं तो अंदर से आई है, कहीं तो मैंने कोई एक ड्राइव को या एक फोल्डर को डबल क्लिक किया तभी तो ये स्क्रीन पे आई है, ऐसे तो नहीं आई। अब मैं स्क्रीन से अगर कोई इमेज को डिलीट कर देता हूं तो डिलीट तो नहीं हुई, कहीं तो रिसाइकल बिन में अभी भी है,
कोई तो वापस भी उसको ला सकता है कि नहीं, ला सकता है कि नहीं। अब ये एक इमेज है, यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज को डिलीट करता हूँ, चली जाएगी हमेशा के लिए? नहीं जाएगी, कभी भी वापस आ सकती है। आप लोगों के साथ सभी यही प्रॉब्लम हो गया है कि जो भी चीज़ें आपकी सरफेस पे है, इसकी कहीं ना कहीं पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में है, प्रेजेंट लाइफ के सबकॉन्शियस में है, और कुछ कुछ पैटर्न आपके अनकॉन्शियस पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। इसलिए आपको पहले प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करना ज़रूरी है, कहीं कभी कभी हमें वूम रिग्रेशन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें लाइफ बिटवीन लाइफ करना होता है, या डेथ एक्सपीरियंसेस के यहाँ ले जाना होता है, कहीं ना कहीं हमें पास्ट लाइफ में ले जाना होता है, तब जाके बारी 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 एक 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 लेयर को पिलिंग किया जाता है। ऐसे ऐसे इस एक साथ सब आप चीज़ों को नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो, अच्छा एप्पल होता है, आप बाहर उसकी स्किन को पहले निकालते हो, है कि नहीं, फिर अंदर का खाते हो। ऑनियन होता है, उसके अंदर एक लेयर निकाला, दूसरा लेयर निकाला, तीसरा लेयर निकाला। तो इसी तरह से हम जितने भी ये मेडिटेशंस या हीलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इसमें हम पिलिंग करते हैं, एक एक लेयर्स हमारे जो भी पर्सनालिटीज़ है, नेगेटिव पर्सनालिटीज़ जो एनिमल इंस्टिंक्ट से आई है, जो ह्यूमन बीइंग के लोअर कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस से आई है, वो सारी चीज़ों को हमको क्लियर करना है। और जब तक वो सी चार ही क्लियर नहीं होती, हमें ना तो कभी एनलाइटनमेंट मिलेगा, ना तो कभी निर्वाण मिल सकता है। इज इट ट्रू? लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा है कि ये पोलैरिटी को एक्सेप्ट करना कि इंसान के अंदर दो प्रकार की एनर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है। ऐसे मत सोचो यार मैंने तो सोचा था ये आदमी पूरा पॉजिटिव है, पता नहीं इसके अंदर ये नेगेटिव क्वाली कहाँ से निकली। समझ में कि नहीं? जितने भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होते हैं, या पार्टनरशिप बिजनेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, या जो भी है, वो सिर्फ एक इल्यूजन के वजह से होते हैं कि ये आदमी सिर्फ पॉजिटिव ही है, इसके अंदर कोई नेगेटिव क्वालिटी है ही नहीं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव दो के बाद ही वो फ्लो होती है। समझ में आ रहा है? तो हमें ये पहली बात तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नेगेटिव क्वालिटीज इंसान में होती है और वो मुझे मान्य है, वो मुझे एक्सेप्टेड है। इज इट ओके? खुद की नेगेटिव क्वालिटीज को गिल्ट नहीं करना है, और दूसरे के लोगों की नेगेटिव क्वालिटीज को रिवेंज नहीं करना है। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए।